आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बुधवार है आज 11 अगस्त 2021 तारीख। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज की इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में क्या बात करने वाले हैं, सीधा उसी पर आते हैं। एक्सपर्ट से जानेंगे कि 50% की आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग जो होती है उसे मानने में दिक्कत क्या है। कोरोना गया नहीं है और केरल में तो लग रहा है कि जमकर ही बैठ गया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम ये बताएंगे। फिर खबर है कि भारत अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेज रहा है, खास क्यों है पूछेंगे इसरो के पूर्व साइंटिस्ट अनिल कुलकर्णी से। और आखिर में बात क्रिकेट की, कयासबाजी चल रही है कि टीम इंडिया को नया कोच मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई की वार्षिक बैठक में कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्रहित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इस बैठक का विषय इंडिया एट द रेट 75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड होने की वजह से बस और कारें दब गई हैं, जिसमें करीब 40 लोगों के फंसने की आशंका है। हालांकि कुछ लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं किन्नौर पुलिस ने मलबे में फंसे लोगों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राज्यसभा में आज संविधान के 127वें संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की गई। कुछ सांसदों ने संशोधन भी पेश किए, लेकिन सभी संशोधन खारिज हो गए और राज्यसभा में भी ओबीसी आरक्षण से जुड़ा अहम बिल पारित हो गया। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े हैं। वहीं अब बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहीं जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी मामले में अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड ने समझौता किया है। इस करार के बाद अब विदेशों से एक्सपर्ट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आकर ट्रेनिंग देंगे। इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड की पूरी दुनिया में 5,500 स्कूलों के साथ समझौते हैं, जो 159 स्कूलों के साथ काम करते हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने लगातार कहा है कि उनके राज्य को पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य में वैक्सीन आपूर्ति बढ़ाने की अपील की है, जिसके बाद अब पंजाब की वैक्सीन सप्लाई को 25% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब बैंकों को अपने एटीएम में हर समय कैश रखना होगा। आरबीआई ने अपने नए सर्कुलर में कहा है कि अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे तक कैश नहीं रहता है तो उसके बैंक पर रिजर्व बैंक जुर्माना लगाएगा। ये नया नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू होगा। KFC और पिज्जा हट ऑपरेट करने वाली कंपनी सफायर फूड्स ने IPO लाने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से IPO लाने की मंजूरी मांगी है, जिसके लिए आज कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स फाइल कर दिया है। यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें प्रमोटर और मौजूदा निवेशक शेयर बेचेंगे। और भारत इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले झटका लगा है। ट्रेंट ब्रीज में खेले गए पहले टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए दोनों टीमों पर मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा दोनों टीमों के 2-2 अंक भी काटे गए हैं। इस देश में कुछ मुद्दों पर बहस बहुत जोरदार होती है, आरक्षण उनमें से एक है। कुछ का मानना है कि ये हक है, तो कुछ दूसरे आरोप लगाते हैं कि ये खैरात है। इन सब बहसों से दूर हमारा संविधान पुरजोर ढंग से मानता है कि ये सामाजिक न्याय का अहम टूल है, हाशिए पर पड़े समाज को मजबूत करने का साधन है। अब ये अलग बहस है कि कौन सी जातियों को रिजर्वेशन की जरूरत है और कितनी इसकी सीमा होनी चाहिए। कल लोकसभा में OBC बिल एक तरफा समर्थन से पास हुआ। 127वें संशोधन के पास होने के बाद अब राज्यों के पास हक होगा कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट खुद तैयार कर सकेंगे। इसी दौरान एक मांग ने जोर पकड़ा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मांग पुरानी है। कहा जाता है कि 50% वाली जो आरक्षण सीमा है इसे जरा सा आगे खिसकाया जाए। सरकार ने तो इसे लेकर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया है, मगर खारिज भी नहीं किया है। कहा है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को हम समझते हैं, लेकिन कोर्ट ने बाउंड्री खींची हुई है। तो कानून अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोग सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि क्या ये वक्त की जरूरत है कि अब आरक्षण की सीमा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज से अलग विशेषज्ञ इस मांग को किस तरह से देखते हैं, ये हमने पूछा महाराष्ट्र सरकार के बैकवर्ड क्लास कमीशन के पूर्व मेंबर और केंद्र में प्लानिंग कमीशन के सलाहकार रह चुके प्रोफेसर हरि नरके से। अब देखिए,
दो मुद्दे हैं, हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का संविधान जो है उस संविधान में 50% का कोई कैप नहीं है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में पहली बार मंडल जजमेंट में, जिसे इंद्र सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट कहते हैं हम लोग, उसमें ये पहली बार कहा गया कि 50% का कैप होगा, उसके आगे हम नहीं जा सकते। लेकिन उसी में ही ये कहा गया था कि इसको एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। उसी आधार पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ गायकवाड़ कमीशन बनाया, गायकवाड़ कमीशन ने रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर चारों पार्टियां जो महाराष्ट्र की मुख्य पार्टियां हैं, किन चारों ने मिलके ये बिल एकमत से पास किया था। अब देखिए, मराठा आरक्षण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अपने विचार रखे तो कई मुद्दे रखे थे, उसमें से पहला मुद्दा ये था कि 102nd अमेंडमेंट जो मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में की थी, उसमें राज्य सरकार के जो अधिकार थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिया गया, जो कि गलत था। 1950 से हमारे देश में जो व्यवस्था बनी है, सामाजिक न्याय का विषय जो है वो राज्य और केंद्र दोनों का मिलके एक विषय है और ये अधिकार दोनों को रखने चाहिए थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में गलती की। उस गलती को सुधारने की अभी जो व्यवस्था है वो है 127 अमेंडमेंट, जो कल लोकसभा में पास हुआ है। बाजू में देखेंगे तो गुजरात में भी पटेल समाज जो है वो आरक्षण की मांग कर रहा है, आगे चलते हैं तो राजस्थान में भी गुज्जरों की मांग है, फिर हरियाणा में जाते हैं तो जाट लोगों की मांग है। गुणवत्ता का सम्मान करते हुए हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हर राज्य में अगर ये जिनको हम बैकवर्ड कहते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC, अब महाराष्ट्र को लीजिए तो 80% से ज्यादा आबादी हो जाती है जो आरक्षण में आना चाहती है। कितने दिन तक हम इन लोगों को चुप बिठाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाके हमको इनका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, इंदिरा साहनी केस के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको अगर हम दोबारा से रिविजिट करना चाहें, उस समय जो सीमा लागू की गई थी उस वक्त क्या लॉजिक थे? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में 92 से पहले आरक्षण जो था वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को था, जिसका पूरे देश में प्रतिशत 22.5 77% जो है वो ओपन के लिए, पूरे देश के ओपन कंपटीशन के लिए बचता था। फिर मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया 1980 में, जिन्होंने कहा कि 27% 50 के अंदर रहने के लिए 27% जो बचा है, 22.5 और 27.49 हो जाएगा, यानी कि 50 से कम रहेगा, तो आपको 52% लोगों को 27% आरक्षण देना चाहिए। उस तर्क के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, इंद्र साहनी और 80 और लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। 1990 में ये मुकदमा दायर हुआ था और 16 नवंबर 1992 में 9 जजेस का जो वर्डिक्ट आया था, एक बात ये थी कि 27% जो आरक्षण ओबीसी को देने का मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था, क्या वो सही है या गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सही है। ऐसे पिछड़े लोग हैं, ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, मंडल के अनुसार 3,743 जातियां थी, उनको 27% आरक्षण देना वाजिब है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अच्छा सर, ये जो 10% EWS को आरक्षण दिया गया था वो इस बहस में कहां खड़ा नजर आता है? तो जब मंडल के खिलाफ आंदोलन हुए पूरे देश में और उन आंदोलनों को मद्देनजर देखते हुए नरसिंह राव जी ने EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि हमारे देश में जो उच्च वर्ण के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, जो ओपन कंपटीशन में आते हैं, उनमें भी जो गरीब है उनके लिए हमको कुछ अलग व्यवस्था करनी होगी, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने 10% आरक्षण EWS के लिए नरसिंह राव सरकार ने 25 सितंबर 1991 में दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 के इस जजमेंट में उसको खारिज किया और उसके बारे में कहा कि दिस इज नथिंग बट ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। 2019 के इलेक्शन के पहले मोदी जी ने EWS का 10% आरक्षण लागू किया है, जो आरक्षण 50 से ऊपर ही है। मुद्दा यह है कि अगर EWS का आरक्षण 50% से ऊपर हो सकता है तो फिर वो अन्य राज्यों में जो समाज अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, और अगर एक्सपर्ट्स के कमीशन उनके बारे में रिपोर्ट देते हैं कि हाँ ये पिछड़े हैं, तो उनको हम 50% की मर्यादा क्यों रखें। और तीसरा मुद्दा,
मेरिट के लिए भी जगह होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो रहना चाहिए। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आरक्षण हमारे देश में कई साल तक जरूरी है, इसलिए देना पड़ेगा, लेकिन दैट इज नॉट फाइनल एंड हमको एक ना एक दिन जाके आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जब तक जरूरत है तब तक हम आरक्षण देते समय अगर हम ये देखते हैं कि 10 या 15% लोग सिर्फ ओपन कंपटीशन में रहते हैं और बाकी सब लोग अगर आरक्षण के फील्ड में चले जाते हैं तो 10-15% लोगों के लिए अगर 30% या 40% बचता है तो वो कोई गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मोदी जी ने दिया है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है, पेंडिंग है, मुझे लगता है 50% की सीमा रेखा को बदलना पड़ेगा। बदलने की सोच मोदी जी रखते हैं ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी गवर्नमेंट को ये भी संशोधन करना पड़ेगा। इन दिनों कोरोना के केसेस घटते बढ़ते दिख रहे हैं, कुछ भी साफ कहा नहीं जा सकता कि दूसरी लहर खत्म हो चुकी है या तीसरी लहर कब तक आएगी। फिलहाल कहीं अगर सबसे ज्यादा चिंता बनी हुई है तो वो केरल है। ICMR ने बताया कि केरल में 40,000 के करीब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस मिले हैं। देश भर में इसका आंकड़ा 1,00,000 है। केरल का टोटल पॉजिटिविटी रेट भी 15% है जबकि देश का 2% ही है, और अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के मामले अलग से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने केरल में अपनी टीम भेजी थी, उस टीम से जुड़े सोर्सेज ने बताया कि प्रतिबंधों में जो ढील दी गई थी उसकी वजह से ही केसेस बढ़े हैं। सबसे ज्यादा केस उनमें देखे गए जो डायबिटिक हैं, साथ ही बुजुर्गों को भी परेशानी ज्यादा हो रही है। तो ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस क्या है और क्या केरल में बढ़ते ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के मामले कोरोना के नए वेरिएंट की तरफ इशारा करते हैं? हमने बात की इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर गुनीशा पसरीचा से, जो बेंगलोर में हैं और मेडजिनोम लैब्स में काम करते हैं। ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस वो होते हैं जो एक व्यक्ति ने अगर कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दोनों डोजेस लिए हैं और उसके 14 दिन के बाद उसको इन्फेक्शन होता है तो उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये केरल के एक नए वेरिएंट की ये ब्रेक इन्फेक्शंस जो हैं वो एक वेरिएंट से हो सकते हैं, ऐसा संकेत हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया है, लेकिन ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है जो एक संकेत करता है कि एक नया वेरिएंट है। जब तक हम सीक्वेंसिंग ना कर लें, होल जीनोम सीक्वेंस ना कर लें या सार्स कोविड 2 वायरस का, तब तक हम बता नहीं सकते। तो इसलिए केरला गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी 40,000 जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस अभी आए हैं मामले, तो उन सारों का होल जीनोम सीक्वेंसिंग होगा और देखा जाएगा कि कहाँ ऐसा कुछ इम्यून एस्केप, ऐसा एक म्यूटेशन पैदा हुआ है कि ये नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ज्यादा केरल में है। गुनीशा, लेकिन अकेले केरल में ही 40% मामले हैं, वहीं केस क्यों बढ़ रहे हैं? और अगर वैक्सीनेशन के बाद भी यही हाल है तो आने वाले वक्त में तो चिंता और बढ़नी ही है, इसे कैसे देखते हैं? मेरा कहना यह है कि अभी अगर आप पूरे लास्ट एक महीने में अगर केसेस देखे जाएं पूरे भारत में तो 30% या 35% तो केरल से आ रहे हैं, तो इसलिए वो प्रोपोर्शनेटली वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी उस स्टेट से ज्यादा ही है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि अभी आप देखिए 20-22,000 या आज 18,000 केसेस केरल से हैं और पूरे भारत में केसेस सिर्फ 40,000 या उतने ही रिपोर्ट हुए जा रहे, तो एक तो प्रोपोर्शन की बात है और ऊपर से मैं ये समझती हूँ कि जो टेस्टिंग ट्रेसिंग और जो जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो केरल में भी ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा टेस्ट करते हैं ट्रेस करते हैं इसलिए केरल में ज़्यादा पाए जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये सब रीजंस ऐसे सोचे जा रहे हैं कि कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। और एक सीरो सर्वेलेंस भी एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया था कि अगर भारत में 60% को एंटीबॉडी है कोविड के लिए तो एटलीस्ट 15% कम केरल में पाया गया है। तो मेरे ख्याल से जो इन्फेक्शन रेट जो केरला में रहा गया है वो बहुत स्लो और स्टेडी रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है और वो ऐसे 18-20,000 पे अभी वो प्लाटू हो चुका है। तो ये चिंताजनक मामला मैं ऐसे उसे प्रोजेक्ट नहीं करूंगी कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन चिंताजनक है, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि अगर मुझे वैक्सीनेशन के बाद भी अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाए तो मैं वैक्सीनेशन लूं क्यों, तो मैं उसे चिंताजनक नहीं मानूंगी। तो मैं सोचती हूँ कि हर एक व्यक्ति को
वैक्सीनेशन टीकाकरण लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ भी तो उसका जो मृत्यु दर है या उसको मोर्टैलिटी रेट है वो बहुत कम है। अब जैसे अब देखा जाए तो एक स्टडी ICMR की स्टडी थी, उसके अंदर कुछ 600 कुछ केसेस का उन्होंने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का स्टडी किया था और उन्होंने पाया गया कि जो मोर्टैलिटी रेट है वो सिर्फ 0.4% है और इसी मतलब और हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत कम है। तो अगर 10 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है तो उसमें से सिर्फ एक है जो जिसको हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन या ICU बेड की जरूरत पड़ती है। तो चिंताजनक नहीं मान के मैं चाहती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा जांच की ज़रूरत है और ज़्यादा होल जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है कि पता चले कि ये वेरिएंट नया है कि वही डेल्टा वेरिएंट है जो सेकेंड वेव भारत में बहुत आया था। भारत अंतरिक्ष में अपनी एक आंख लगाने जा रहा है, यानी कि सैटेलाइट। इसे आंख इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसका नाम यही है, आई इन द स्काई, यानी कि आसमान में आंख। हालांकि सैटेलाइट का कोड नेम है EOS-03। और रही बात आंख की, तो समझ आ ही गया होगा कि इससे नजर रखी जाएगी अंतरिक्ष से धरती पर। तो वो कैसे रखी जाएगी इस बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इस सैटेलाइट के लॉन्च के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। ये सैटेलाइट जो है कल यानी कि 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर लॉन्च की जाएगी श्रीहरिकोटा में, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसके दूसरे लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया जाना है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV-F10 इसे लेकर जाएगा। हालांकि ये लॉन्च मौसम पर भी निर्भर करेगा, मौसम खराब रहा तो इसे टाला भी जा सकता है। ये लॉन्चिंग इसलिए खास है क्योंकि ये इसरो का इस साल का पहला प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च है। इससे पहले इसरो ने 28 फरवरी को 18 छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए थे, इनमें कुछ देसी सैटेलाइट्स भी थे और ब्राज़ील का Amazonia-1 प्राइमरी सैटेलाइट भी था। तो जो कल EOS-03 सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है, ये क्या है, दूसरे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से अलग कैसे है और इसरो के लिए इसकी लॉन्चिंग इतनी खास क्यों है, बता रहे हैं इसरो के पूर्व साइंटिस्ट अनिल कुलकर्णी। एक जो सैटेलाइट है उसको GISAT-1 बोला जाता है। ये बहुत ही खास तरह का सैटेलाइट है। जनरली हम देखते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो लोअर ऑर्बिट में होते हैं, जो कि 600-800 किलोमीटर के ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन ये पहला फुल्ली डेडिकेटेड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा जो जो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो पृथ्वी की सतह से जो दूरी होगी वो करीब करीब 35,000 किलोमीटर दूरी होगी। तो बहुत और उस ऑर्बिट में यदि हम भारत के ऊपर उस ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को लॉन्च करें तो वो हमेशा के लिए भारत की तरफ ही देखता रहेगा। जो दूसरे सैटेलाइट होते हैं रिमोट सेंसिंग वो पोलर ऑर्बिटिंग होते हैं, वो भारत के जो भूभाग है उसके ऊपर कुछ वक्त के लिए आते हैं और फिर वो दूसरे भाग में चले जाते हैं। तो उसको वो अलग तरह का सैटेलाइट होता है और ये बिल्कुल अलग है। वो ये सैटेलाइट दिन और रात 24 घंटे भारत के ऊपर ही रहेगा। लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से ऐसे सैटेलाइट्स में जो है स्पेशियल रिजोल्यूशन कम होता है। अनिल जी, बताया गया कि ये सैटेलाइट जो है दिन में 4-5 रियल टाइम तस्वीरें भेजेगा, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल कर रहा है इसरो? ये एक अपने तरह से रिमोट सेंसिंग के हिसाब से ही बहुत ही खास तरह के सेंसर इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें 3 अलग अलग सैटेलाइट कैमरा की प्रणाली है। एक प्रणाली ऐसी है कि जो विजिबल नियर इंफ्रारेड जो रेंज है जिसमें आप और हम देख सकते हैं, जिसमें हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स के अंदर 6 अलग अलग बैंड्स हैं और जिसमें हम अलग कलर जैसे ग्रीन है, येलो है, रेड है, या जो नियर इंफ्रारेड है उसको नियर इंफ्रारेड शायद हम उसके बियॉन्ड दैट नहीं देख पाते, लेकिन बाय एंड लार्ज विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेंज के अंदर ही है। उसके अलावा इसमें एक और हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड्स है और हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है और इसकी खासियत यह है कि इसका स्पेशल रिजोल्यूशन थोड़ा बड़ा है,
318 मीटर का है, लेकिन वो 0.3 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर में देख सकता है। इसके अलावा इसके अंदर और एक कैमरा है जिसको स्वीर HWIR बोलते हैं, उसको हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है वो, उसमें 191 बैंड्स हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है कि 0.9 मीटर से 2.5 मीटर सॉरी माइक्रोमीटर तक ये देख सकता है। तो इसी के अंदर जो सारे बैंड्स है, जो विजिबल बैंड्स है, जो नियर इंफ्रारेड बैंड्स है और जो थर्मल बैंड्स, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो इसकी वजह से ये जो है भारत और भारत के सीमाओं की निगरानी दिन और रात दोनों में कर सकता है। तो इसकी वजह से एक बहुत ही खास सैटेलाइट है और मुझे लगता है ये सारे ना कि इसरो का एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन होगा, लेकिन पूरे ग्लोब के अंदर मैं नहीं मानता कि इस तरह का कोई सैटेलाइट आज की तारीख में है जो जो हमें पता है। तो जैसा आपने बताया सर कि ये सीमाओं की निगरानी भी रख सकेगा, तो सामरिक लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब चीन जैसे देशों की घुसपैठ के बारे में आसानी से पता चल जाया करेगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी गतिविधियां हैं जिनके बारे में हमें समय से जानकारी मिल जाया करेगी? जैसे आप और हम जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं वो जो भारत की जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे स्नो एंड ग्लेशियर्स है और पानी रेनफॉल है, बारिश है, या उसके सिवा जो अलग अलग हमारे रिजर्वायर्स है उसमें कितना पानी, ये सारी चीजों के आंकड़े तो इकट्ठा कर ही लेगा क्योंकि इसमें ये यूनिक, और इसके सिवा भी इसके अंदर जो हाई स्पेक्ट्रल है, मतलब बहुत ही नैरो बैंड है इसी के अंदर, और उसकी वजह से हमें अलग अलग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगेगा कि भाई किस जगह में फॉरेस्ट के अंदर कहाँ ड्राउट है, कहाँ ड्राउट नहीं है, और जमीन के अंदर भी किस तरह से नमी है, कितनी नमी ज्यादा है, कितनी नमी कम है, इसके बारे में भी हमें पता लगेगा। इसके सिवा भी इसी के अंदर कई सारी खूबियां है, यानी खूबियां वो आती है वो थर्मल बैंड में आती है। थर्मल बैंड वो होता है कि जब जो तापमान होता है वो जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा होता है तो वो एनर्जी इमिट करता है और ये सैटेलाइट उसको पिकअप करता है। तो इसकी वजह से हमें तो ये पता लगेगा कि किस तरह से जो है एक टेम्परेचर जो जमीन का टेम्परेचर होगा, जैसे आप देखोगे कि जब हिमालय में जाते हो तो जमीन का टेम्परेचर रात के टाइम में बहुत कम होता है, तो रात के टाइम में यदि वहां कोई ऐसे बड़े बड़े व्हीकल्स का ताफा चल रहा है, एक दो व्हीकल जाए तो शायद पता न लगे, लेकिन 10-15 इकट्ठा यदि व्हीकल जाए तो आपको उसकी आइडिया भी आ सकती है कि वो कहाँ वो उसकी मूवमेंट हो रही है। तो इसी वजह से ये इसमें कई सारे फायदे हैं और कई सारे ये सिर्फ ना कि एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है, बट इसके सिवा भी एक इम्पोर्टेंट सैटेलाइट इसलिए कि हमें अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसके बारे में आंकड़े जुटाने में हमें मदद मिलेगी। और आखिर में बात क्रिकेट की, टीम इंडिया को नया कोच मिल सकता है, तो रवि शास्त्री की छुट्टी कब होगी, क्यों होगी, कौन ले सकता है उनकी जगह, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथी केशव ने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, टीम इंडिया के जो हेड कोच हैं रवि शास्त्री, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है T20 वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन अचानक से इस बात की चर्चा जो है आज बड़ी जोर शोर से शुरू हो गई कि राहुल द्रविड़ उनको रिप्लेस कर सकते हैं। और सिर्फ शास्त्री नहीं, जो बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण और बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर, उनके एग्जिट की भी बात हो रही है, तो ये शगुफा निकला कहाँ से और ये जो बात है इसमें कितना दम है? देखिए, जो अभी आगामी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है UAE में, जिसका मेजबान भारत है, वहीं पर रवि शास्त्री का जो है टेन्योर खत्म हो रहा है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और ऐसे में ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि रवि शास्त्री जो है अपने पद से हटेंगे। डेफिनेटली उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसीलिए BCCI ने अगर ये मन बनाया है कि नहीं ठीक है
अब किसी और को ट्राई करना चाहिए तो गलत नहीं है। जहां तक अन्य सपोर्ट स्टाफ की आप बात कर रहे हैं, भरत अरुण हो और श्रीधर हो, जब कोई हेड कोच चेंज होता है तो एक तरह से सारी चीजें जो है तब्दील होती हैं, जो उनके आसपास जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसमें भी तब्दीली आ जाती है। याद करिए जब 2014 में जब रवि शास्त्री को टीम डायरेक्टर बनाया गया था, जब डंकन फ्लेचर कोच हुआ करते थे, उस समय जो डॉविस भारत के गेंदबाजी कोच होते थे और ट्रेवर पेनी जो है भारत की फील्डिंग कोच हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही टीम डायरेक्टर की हैसियत से रवि शास्त्री भारतीय टीम के साथ जुड़े इंग्लैंड में, जब हम टेस्ट सीरीज 3-1 से हारे थे, वहां पर वो अपने बॉलिंग कोच भरत अरुण को लेके गए, फील्डिंग कोच श्रीधर को लेके गए, बैटिंग कोच के तौर पर संजय बांगर टीम के साथ जुड़े। तो ये होता है जब कोई हेड कोच बदलता है तो वहां पर उनके अपने हिसाब के सपोर्ट स्टाफ आते हैं, तो इस वजह से भी, और क्योंकि कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को हटाने का मन बना लिया है या फिर शास्त्री ही कंटिन्यू नहीं करना चाहते? क्योंकि उनकी कोचिंग में, थोड़े से कोचिंग पे बात कर लेते हैं कि शास्त्री की कोचिंग में हमने ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट सीरीज जरूर जीता है, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में भी हमने क्लीन स्वीप किया, लेकिन जो एक बड़ी चिंता है वो है आईसीसी टूर्नामेंट्स की, वो हम नहीं जीत पाए हैं। ऐसे जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं उनके बड़े मुकाबलों में हम चोक कर जाते हैं, क्या ये एक वजह हो सकती है कि रवि शास्त्री हटाए जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी आलोचनाएं इस बात को लेकर के होती हैं कि उनके अंडर जो है भारत ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है, बट टू बी फेयर, बहुत ऑनेस्टली बात करें तो रवि शास्त्री के अंडर भारतीय टीम ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेशक हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं जीत पाए हों, सेमीफाइनल में पहुंचे 2019 में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में हार गए, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई उनको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने 2-2 बार टेस्ट सीरीज जीती, इससे पहले कहां हुआ था ऐसा। तो क्रेडिट आपको जो ड्यू है रवि शास्त्री और जो उनके सपोर्ट स्टाफ हैं, आप देखिए भरत अरुण को, जिस तरह की पौध अब आई है भारतीय फास्ट बॉलर्स की, उसका बहुत बड़ा श्रेय आपको भरत अरुण को देना पड़ेगा। आज भारतीय तेज गेंदबाजी विश्व में कहें तो डंका बजता है भारतीय तेज गेंदबाजों का, तो इसके पीछे बहुत जबरदस्त मेहनत है भरत अरुण की। तो ठीक है, एक सच्चाई ये भी है कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट उनके नाम नहीं है, बट एज फार एज टीम इज कंसर्न, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री जो है उनके अंडर भारतीय टीम ने काफी आगे कदम रखा है। और सच्चाई ये भी है केशव कि रवि शास्त्री उन लम्हों में भारतीय टीम के साथ जुड़ते रहे हैं, एक तरह से गो टू मैन रहे हैं क्राइसिस के वक्त में। 2007 में जब वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बहुत बुरी तरह से हारी थी, तो उस वक्त भारतीय टीम जो मतलब चैपल वाला जो सारा विवाद चल रहा था, इसके बाद भारतीय टीम के मैनेजर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था रवि शास्त्री को, और फिर हम बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। 2014 में जैसा मैंने जिक्र किया, डंकन फ्लेचर के अंडर, महेंद्र सिंह धोनी के अंडर जो है भारतीय टीम बड़ा लगातार खराब खेल रही थी, फिर वहां पर टीम से जुड़े। इसके बाद 2016 में जब विवाद हुआ विराट कोहली का, 2016-17 में अनिल कुंबले के साथ, वहां पर जो है वो टीम के साथ जुड़ते हैं बतौर कोच। तो डेफिनेटली एक संकट मोचक रहे हैं, और सच्चाई ये भी है कि रिजल्ट भी उनके अंडर आया है भारतीय टीम का। ठीक बात है। लेकिन जो राहुल द्रविड़ का नाम चल रहा है, आधिकारिक ऐसी कोई सूचना नहीं है बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन ये एक दूर की कौड़ी दिखती है ना कि राहुल द्रविड़ कोच होंगे, टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, तो क्या बातें हैं जो राहुल द्रविड़ के पक्ष में जाती हैं और उनको एक ऑटोमेटिक चॉइस बनाती हैं? देखिए, राहुल द्रविड़ अगर भारतीय टीम के कोच बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमें या आपको किसी को भी बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो उनको कोच के लिए दावी उनकी बनाती है, क्योंकि राहुल द्रविड़ नाम ही अपने आप में इतना बड़ा है केशव, कि अगर वो टीम के साथ जुड़ते हैं बतौर कोच तो मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। जिस तरीके का डिसिप्लिन इस शख्स के अंदर रहा है सिंस प्लेइंग डेज, जिस तरह की एबिलिटी है, जिस तरह की नॉलेज है, वो मुझे लगता है भारतीय टीम के बहुत काम आने वाली है। लेकिन अभी भी ये क्लियर क्योंकि नहीं है कि क्या राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच के तौर पर जुड़ेंगे, अगर जुड़ते हैं तो डेफिनेटली ये भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि और देखिए, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि देखिए रवि शास्त्री के अंडर हमने ऑस्ट्रेलिया में 2-2 टेस्ट सीरीज जीती, हम अच्छा लगातार खेल रहे हैं, हम वर्ल्ड की नंबर वन टीम टेस्ट मैचेस में, इस बावजूद उनको क्यों हटाना। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि एक चीज की, हर एक चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है और इसके बाद आपको अगले स्तर तक जाना होता है। तो
जो जहां डंकन फ्लेचर वाला एरा था उसको उससे काफी ऊपर लेके गए हैं रवि शास्त्री, बट अब यहां से एक स्टेप और ऊपर जाना है। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने काफी समय भी दिया है रवि शास्त्री को, बट अब यहां से एक स्टेप ऊपर जाने का वक्त है, और शायद अगर वहां राहुल द्रविड़ आते हैं तो डेफिनेटली और बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद भारतीय फैंस को भी है, और सभी की ये जो है एक लंबे समय से मांग भी है फैंस की कि राहुल द्रविड़ के हाथों में जो कमान है वो सौंपी जाए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। धन्यवाद केशव। वक्त हो गया विदा का, कुछ कहना सुनना हो तो हमेशा की तरह radio@aajtak.com हमारा पता है, वहां मेल कर दीजिएगा। इसके अलावा स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन पर हम हैं। वहां पहुंचिए, दिन भर लिखिए, हम वहां मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने, और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। और आपको याद होगा आज तो बुधवार है, तो बेबाक बुधवार भी होना है। रात के ठीक 9 बजे हम ट्विटर स्पेसेस पर आपको मिलने वाले हैं, वहां ताऊ बाबा कुलदीप सरदार भी होंगे, तो सीधे वहां हमसे जुड़िए। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प नारों पर बात होने वाली है, तो आइएगा और अपनी बात भी कहिएगा, हम भी वहीं मिलेंगे। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, सुनते रहिए आज तक रेडियो।